हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप धनिया को 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ धनिया की पत्तियाँ ले ली हैं, ये ताज़ा पत्तियाँ हैं और इन्हें हम सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। हम इसकी पत्तियाँ निकाल लेंगे और डंडियों को अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी पत्तियाँ अच्छे से निकाल ली हैं और धनिया अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम इसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए हम इस तरह की कोई जाली वगैरह ले लेंगे और इसे अच्छे से हमें वॉश करना है, कम से कम 2 से 3 बार। अगर इसमें मिट्टी है तो आप ज़्यादा अच्छे से क्लीन कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। अब मैंने इसे धो लिया है, मैंने कम से कम इसे 3 से 4 बार धोया है। आप नॉर्मल रनिंग वाटर में इसे धोइएगा। इसके बाद हम इसे जाली में ही रख देंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ 1 ढक्कन विनेगर। विनेगर को हम हिंदी में सिरका कहते हैं। सिरका हम इस पानी में डाल देंगे और इसमें हमने जो धनिया पत्तियाँ साफ़ की थी उसे हम भिगो कर रख देंगे कम से कम 5 मिनट तक। ऐसा करने से इसमें जो भी कोई पेस्टिसाइड वगैरह होगा, छिड़काव किया होगा दवाइयों का, वो इसमें से क्लीन हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा मेथड है धनिया पत्तियों को अच्छे से साफ करने का। आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, धनिया पत्ती बड़े ही अच्छे से फूल गई है और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो गई है। अब हम इसको अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे और इसे धो करके हम वापस से उसी जाली में निकाल कर रख देंगे जिसमें हमने पहले रखा था। तो यहाँ पर मैं इसमें से पानी निकाल रही हूँ और इसे धोकर मैं थोड़ी देर के लिए, इसमें से पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए, इतनी देर के लिए हम इसे रख देंगे। अब हम एक कपड़ा ले लेंगे, कोई भी क्लीन क्लॉथ आप ले सकते हैं, कॉटन का या मसलिन क्लॉथ आप ले लीजिए और इसके ऊपर जितनी भी आपकी धनिया पत्ती हैं वो आप अच्छे से फैलाकर इस पर डाल दीजिए और इसे हम धूप में सूखने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे 3 दिन तक धूप में सूखने के लिए रख दिया था। ये पत्तियाँ अच्छे से सूख गई हैं, बहुत कम समय इसे लगता है। अगर तेज़ धूप आती है तो सिर्फ 2 ही दिन में सूख जाएंगी। आपके पास अगर धूप नहीं आती है तो आप इसे फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा धनिया पत्ती का पाउडर बनके तैयार हो गया है। और अब ये पाउडर आपका 12 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये आप दाल में यूज़ कर सकते हैं, पराठों में डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेथड है धनिया को स्टोर करने का।